लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवीमुंबई के तुर्गे स्टोर हाईवे पर उड़ान पुल बनाने का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। सानी शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने एनएमएमसी आयुक्त को स्मरण पत्र देकर एक महीने के भीतर निर्माण शुरू कराने की मांग की है। सुरेश कुलकर्णी ने कहा कि ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर और मनपा प्रशासन की उपेक्षा के कारण यहां 10 सालों से उड़ान पुल का निर्माण नहीं हो रहा, जिससे लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने जल्द उड़ान पुल बनाने और लोगों को एक्सीडेंट से राहत दिलाने की मांग की। देखिए रिपोर्ट। तुर्भे स्टेशन के समीप थाने बेलापुर हाईवे का यही वो ठिकाना है जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती रही हैं, लेकिन लगातार मांग और मंजूरी के बाद भी यहां उड़ान पुल नहीं बन रहा है। 2 साल पहले इसके निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर भी निकल चुका है, लेकिन काम शुरू होने का नाम नहीं ले रहा। स्थानीय शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और नया कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त कर यहाँ जल्द निर्माण कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनता यहां लगातार दुर्घटना का शिकार हो रही है, लेकिन महानगर पालिका है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उड़ान पुल का कार्य शुरू नहीं हुआ तो जनता हाईवे पर चक्का जाम करेगी। सर, ये 10 साल से हम लोग का भागदौड़ चला, बहुत सारे मौत हो गए लोगों से, बहुत सारे हाथ पे गए गमा के बैठे कुछ लोग। कुछ जगह पे अगर ये कल ऐसी परिस्थिति होगा तो पब्लिक के सामने हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि पब्लिक के सामने जा जाके हम लोग को आज उनको बोलने का क्षमता खत्म हो गया है कि सर आप तुरंत जल्दी जितना हो सके उतना ये काम चालू करो। तो आदरणीय कमिश्नर साहब बोला कि तुरंत, उन्होंने कमिश्नर को अपना नीचे के जो प्रशासन के जो अधिकारी है उनको फ़ोन किया, आप उन नया तुरंत डिजाइन बना के लेके आओ और तुरंत अभी 1 महीना 15 दिन में कि वो रिटेंडर करके काम निकालेगा करके, ऐसा कमिश्नर साहब ने फर्स्ट क्लियर किया। उन्होंने बताना जरूरी है कि तुर्वे स्टोर हाईवे पर इस उड़ान पुल की मांग को लेकर 22 नवंबर 2020 को भी चक्का जाम हुआ था। तब मनपा आयुक्त ने 15 दिनों में निर्माण प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। आयुक्त से ताजा मुलाकात के हवाले से सुरेश कुलकर्णी ने बताया कि उन्होंने महीने भर में उड़ान पुल के लिए नया टेंडर निकालने और निर्माण शुरू करने का आश्वासन दिया है। शिवसेना नेता ने यह भी चेतावनी दी कि यदि अब की बार भी निर्माण नहीं शुरू हुआ तो स्थानीय जनता तुर्भे हाईवे को जाम किए बिना नहीं मानेगी। तो उस जगह पे मैं सर को इतना भी बताया, सर जिस दिन जिस बार एक्सीडेंट हो गया है, जितने भी बार एक्सीडेंट हो गया उस जगह पे पब्लिक कम से कम तो 5-6 हज़ार पब्लिक रास्ते पे आते, उस जगह पे हम लोग को बोलने का बहुत उधर डेयरिंग करके बोलना चाहिए। उधर प्रशासन तो आता नहीं, हमको उधर जवाब देना पड़ता है कि सर अगर ऐसा कुछ परिस्थिति हो गया, अभी पब्लिक को हम लोग रोक नहीं सकते कि पब्लिक पूरा रास्ता जाम कर देंगे, उस जगह पे बहुत बड़ा ये हंगामा होएगा। कि सर बोला कि हम जल्दी से जल्दी काम निकालेगा, अगर नहीं होएगा 15 दिन में महीने में तो हम लोग पूरा रास्ता रोको आंदोलन कर लेंगे, रास्ता पूरा पैक कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।